राजा, किसान और नगर। दोस्तों, टेल क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर है 2 और इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये सेकंड पार्ट की वीडियो है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम मगध से शुरू करेंगे। मगध का जो इतिहास है उसको हम जानना स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने जो आखिरी आपको टॉपिक समझाया था उसमें हमने महाजनपद की प्रमुख विशेषताओं को समझा था। तो आपको पता है कि यार 600 ईसा पूर्व का जो समय काल है, क्योंकि इस चैप्टर का समय काल है 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, है ना, उस समय के इतिहास को हम समझ रहे हैं। तो 600 ईसा पूर्व के समय काल में क्या हुआ, 16 महाजनपदों का विकास हुआ था, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पावरफुल, सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध ही था, ठीक है। अभी देखिए, मगध की जब हम बात करते हैं तो यार मगध यानी कि कौन से इलाके, अगर आधुनिक समय की हम बात करें ना, तो आधुनिक समय में बिहार और झारखंड का जो कुछ इलाका है उसको मिला के मगध साम्राज्य बना था। मगध एक महाजनपद था, ठीक है। अब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों था इसको हमें समझना है, क्योंकि आपकी बुक में मगध के बारे में यही चीज़ समझा रखा है। सो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद बनाते हैं, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट बताएंगे उपजाऊ भूमि। देखिए यार, मगध की जो भूमि थी ना, बिहार झारखंड के जो इलाके थे उसमें काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थे, है ना, जिस कारण खेती तो भाई बहुत अच्छी होती थी और खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। वहाँ पे कोई अकाल नहीं पड़ता था, सैनिकों के लिए, आम लोगों के लिए भोजन की कोई कमी वहाँ पे नहीं थी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, लोहे की खदानों की उपलब्धता। अब देखो, झारखंड आधुनिक, अगर हम झारखंड की बात करें तो इस समय भी झारखंड में लोहे की खदानें काफ़ी ज़्यादा है, उस समय में भी थी। तो लोहे की खदानें होने का फ़ायदा क्या हुआ कि सैनिकों के लिए आधुनिक हथियार बनाए जा सकते थे, ठीक है, तलवार, भाले या जो भी लोहे से बनने वाले जो हथियार है वो सैनिकों के लिए बनाए जा सकते थे। तीसरा पॉइंट बता सकते हैं, हाथियों की उपलब्धता। यार मगध के जंगलों में बहुत ज़्यादा संख्या में हाथी उपलब्ध थे, और आपको पता है कि पुराने समय में सैनिकों में, मतलब सेना में जो इस्तेमाल होता था घोड़ों और हाथियों का होता था, है ना। हाथी जिसके पास है समझ लो कि वो सेना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इससे भी क्या हुआ, मगध की सेना काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी। इसके अलावा आवागमन की हम बात कर लेते हैं, मतलब कि आने जाने के लिए जो आवागमन की जो व्यवस्था थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी और काफ़ी ज़्यादा सुलभ थी, क्योंकि गंगा नदी और उसकी बहुत सारी जो छोटी छोटी उपनदियाँ थी ना, उसके माध्यम से लोग आसानी से आवागमन कर लेते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते थे। तो आवागमन क्या था, काफ़ी सस्ता और सुलभ था। इसके अलावा आप बता सकते हैं, शक्तिशाली शासक। देखिए, मगध के जो कोई भी महाजनपद या कोई भी साम्राज्य तभी शक्तिशाली होगा जब वहाँ के राजा, वहाँ के जो सम्राट है वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, और मगध के शासक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। यहाँ पे हम कुछ अगर मगध के शासकों की बात करें तो यहाँ पे आप बिम्बिसार का नाम बता सकते हैं, आप अजातशत्रु का नाम बता सकते हैं, आप महापद्मानंद का नाम बता सकते हैं, और आखिर में जो मगध का जो अंतिम शासक था वो था धनानंद, है ना। धनानंद के, अगर धनानंद की बात करें तो धनानंद को मार के ही मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और ये सभी शासक कौन से महाजनपद के थे, मगध के थे, और इन शक्तिशाली राजाओं के कारण भी मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। आखिरी पॉइंट हम बात करेंगे राजधानी की, किलेबंद राजधानी। देखिए यार, मगध की राजधानी बिल्कुल किलेबंद राजधानी थी और सुरक्षित थी। अब हम यहाँ पे मगध की पहली राजधानी की बात करें तो पहली राजधानी जो थी ना वो राजगीर थी, या इसको हम राजगाह भी बोलते हैं, ठीक है, राजगीर। इस समय हम इसको राजगीर के नाम से जानते हैं, और राजगीर का अर्थ होता है राजाओं का घर, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। इसके अलावा 34 शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, राजगीर को या राजगाह जो है उसको राजधानी हटा दिया गया, मतलब वो अब राजधानी नहीं रहा। इस समय 34 शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया मगध की, और पाटलिपुत्र को हम इस समय किस नाम से जानते हैं, तो पटना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार की राजधानी भी है, ये चीज़ आप जानते होंगे शायद, ठीक है। तो ये ऐसे कारण हैं जो कि मगध को एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बना देते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम एक आरंभिक साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। भारत में जो सबसे पहला जो साम्राज्य स्थापित हुआ था वो मौर्य साम्राज्य था, और मौर्य साम्राज्य अखंड साम्राज्य था, मतलब पूरे भारत में फैला हुआ था। और आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईसा पूर्व में की गई थी। लेकिन यार, मौर्य वंश की स्थापना में ना चंद्रगुप्त से ज़्यादा योगदान चाणक्य का था। चाणक्य, इसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, तीन नाम हैं इनके, ठीक है। बहुत ही फेमस विद्वान कह सकते हैं इनको, राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, है ना। राजनीति में इनकी जो पकड़ थी वो काफ़ी अच्छी थी। अब देखो, इसको आप एक स्टोरी की तरह समझे कि यार किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की नींव रखी थी। देखो, हुआ क्या था कि मगध का एक शासक था जिसका नाम था धनानंद। धनानंद बहुत ही क्रूर शासक था,
और वो अपने लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, बहुत ही ज़्यादा टैक्स वसूला करता था लोगों से, है ना। अब इसी समय क्या काल में क्या होता है, 326 ईसा पूर्व के आसपास भारत पे सिकंदर का आक्रमण हो जाता है। सिकंदर के बारे में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि सिकंदर जो था उसने पूरे विश्व को जीतने का सपना देखा था, मतलब पूरी दुनिया पर वो जीत हासिल फतेह हासिल करना चाहता था और उस सपने को लेकर वो भारत पर हमला किया था, ठीक है, और भारत के कई हिस्से को उसने जीत भी लिया था। अब यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि तक्षशिला इस समय पाकिस्तान में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि सिकंदर धीरे धीरे भारत के अधिकांश हिस्से को जीतता चला आ रहा था और उस समय भारत में पता है कि भाई सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध ही था। तो चाणक्य क्या करते हैं, मगध के सम्राट यानी कि धनानंद के पास आते हैं हेल्प मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए। लेकिन यार धनानंद बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, ठीक है, वो क्या करता है पूरे दरबार में जो चाणक्य है उनकी बेइज्जती कर देता है, मतलब उनको लात मार देता है, ठीक है। और लात मारने के कारण क्या होता है कि चाणक्य का जो चुटिया है ना, क्योंकि उस समय के जो गुरु होते थे ना वो क्या करते थे, चुटिया रखते थे लंबी से और चुटिया को बांध के रखते थे। लेकिन क्या हुआ, जब धनानंद ने उनको लात मारा तो चाणक्य की चुटिया खुल गई। अब चुटिया खुलने के बाद उन्होंने उस समय शपथ लिया कि धनानंद जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य का अंत नहीं करवा दूंगा ना, या अंत नहीं कर दूंगा ना, तब तक अपनी चुटिया नहीं बांधूंगा। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसे योद्धा की तलाश की जो कि अखंड भारत की स्थापना में उनकी मदद करने वाला था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। और इस तरीके से आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया उन्होंने, एक तरीके से पूरे युद्ध के कौशल वगैरह सिखाए और आखिरकार एक सेना तैयार किया और उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, धनानंद को युद्ध में हरा के, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारा, उसकी हत्या की और उसके बाद मौर्य वंश की नींव डाली, ठीक है। तो इस तरीके से मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में की गई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि मौर्य वंश के कुल मिला के यहाँ पे तीन सबसे शक्तिशाली शासक हुए जिनके नाम आप याद रख ले। सबसे पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी, उसके बाद बिंदुसार, ठीक है, यहाँ पे बिंबिसार नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिंबिसार अलग राजा है और बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, सम्राट अशोक का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये तीन सबसे ज़्यादा पावरफुल शासक हुए मौर्य वंश के, ठीक है। तो ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी थी। दोस्तों हम बात करते हैं कि मौर्य वंश के बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि हम मौर्य वंश के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो देखिए मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो पहला स्रोत है मूर्तिकला। मूर्तिकला एक तरीके से पुरातात्विक प्रमाण या पुरातात्विक अवशेष में आ जाता है और बहुत सारी मौर्यकालीन मूर्तियाँ हैं जो कि हमें मौर्य वंश के राजाओं के धर्म के बारे में या उनकी एक तरीके से वास्तुकला के बारे में जानकारी प्रदान करती है, है ना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं मैक्सथनीज की इंडिका। मैक्सथनीज एक यूनानी राजदूत था और उन्होंने भारत में रहते हुए एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, है ना। और इसी इंडिका नामक पुस्तक से भी हमें मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा स्रोत बता सकते हैं कौटिल्य या जो चाणक्य थे, उन्होंने क्या लिखा था, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से भी हमें वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, टैक्स एकत्रित करने की जो व्यवस्था थी, है ना, ये सारी चीज़ें हमें उससे पता लग जाता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है या फिर जो पौराणिक ग्रंथ है, ठीक है, उससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और आखिर में आप बता सकते हैं अशोक के अभिलेख, ठीक है। अशोक पहला सम्राट था जिसने क्या किया था, पॉलिश पत्थरों पर अभिलेख लिखवाने शुरू किए थे और उसके अभिलेख से भी हमें मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए अशोक वो पहला सम्राट था जिसने पॉलिश पत्थरों पे क्या किया था, अपने और साम्राज्य के बारे में या अपने प्रजाओं के लिए एक तरीके से संदेश लिखवाने शुरू किए थे। देखो अशोक ने क्या किया था, अपने अभिलेखों के माध्यम से अपना धर्म का प्रचार किया था, उसने एक अलग से धर्म बनाया जिसको हम बोलते हैं धम्म। अब ये धम्म है क्या, देखिए धम्म एक तरीके से अशोक का अलग से धर्म था जिसमें बहुत सारी शिक्षाएं लोगों को दी गई थी, जैसे कि भाई बड़ों के प्रति आदर रखना, है ना, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदार व्यवहार रखना है, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार रखना है सेवकों और दासों के साथ भी, इसके अलावा जो दूसरे का धर्म है उसका सम्मान करना है। तो ये सब अशोक के धम्म के प्रमुख उपदेश थे, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुल मिला के तीन टॉपिक समझा दिया है, एक दो आपको मगध साम्राज्य के बारे में बताया, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया और मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत थे वो समझाया है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी आगे अगर एक और टॉपिक हम समझेंगे, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी आगे के टॉपिक को हम अगली वीडियो में समझेंगे।
ठीक है यार, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें।